क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। ठीक है, लिमिट मेरा दिया हुआ है 0 से पाई बाय टू। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और साइन एक्स क्या पुट करेंगे, सेम इसी का फॉर्मूला टेन एक्स बाई टू के फॉर्म में, 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमीटर दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे, इसके पुट कर देंगे। ठीक है, cos x इसको हम सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, तो cos x प्लस टू sin x, तो cos x के जब ऊपर डालेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, प्लस cos x का लिख दिए, अब प्लस 2 इंटू sin x का वैल्यू यहाँ पर रखिए, 2 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन ले लेंगे नीचे में। ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ये 2 दूसरा 4 टेन एक्स बाई। हम अभी कोई भी इंटीग्रेशन का काम नहीं कर रहे, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो ये तो कॉमन है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, ये मेरा हम सिंप्लीफाई किए। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करते हैं, i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू है। ठीक है, dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस टू sin x, इसे भी इतना आया मेरा 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 4 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, अब हम ये डिवाइड किए तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको पता हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू, हम यहाँ पे लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स बाई टू। आप अलग अलग स्टेप में लिख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, मेन काम अब शुरू होगा। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन था, अब हम क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे tan x by 2 को t पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पुट करते हैं, पुट tan x by 2 इक्वल टू t। चलिए पुट करेंगे, पुट tan x by 2 equal to t, तो मेरा क्या आ जाएगा, sec square x by 2 into 1 by 2 dx equal to dt आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, sec square x by 2 into dx चाहिए, तो हम sec square x by 2 into dx इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, means मेरा आ जाएगा ये 2 1 by 2 था इधर, इधर जाएगा 2। ठीक है, ये इसके जब हम बैक पुट कर सकते हैं, तो i मेरा हो जाएगा यहाँ से sec square x by 2 dx मेरा 2 dt हो जाएगा, divided by 1 minus t square plus 4t। ठीक है, चलिए ये आपका स्पेशल इंटीग्रल टाइप में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपका इस फॉर्म में, x square minus a square, ये a square minus x square या a square plus x, इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको t, ये जो है ना कोफिशिएंट माइनस, इसको हमको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन ले लिए, मेरा आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 2t। ठीक है, एक चीज आपको छूट के, यहाँ लिमिट अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x 0 है तो यहाँ x 0 डालेंगे तो मेरा t क्या आ जाएगा, tan 0 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह x pi by 2 है तो यहाँ पे pi by 2 डालेंगे, ये pi by 4 बन जाएगा, tan pi by 4 1 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका लिमिट हो गया जीरो से वन, सिंपल सा। चलिए तो ये जीरो से वन, ये माइनस टू रख देंगे। इसको हमको क्या इस फॉर्मेट चेंज करना है, हम क्या करेंगे टी माइनस फोर का डिवाइडेड बाई टू करेंगे होल स्क्वायर माइनस, अब टू का होल स्क्वायर फोर, यहाँ तो पहले से माइनस वन है, कन्वर्ट करने आपको आता ही होगा, आपने यहाँ तक पहुंचा है तो डिफिनिट डिगर में। अब हम क्या करेंगे माइनस फोर माइनस वन है, ये मेरा हो जाएगा माइनस फाइव, ठीक है। माइनस फाइव को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। अब हम इस माइनस को अंदर ले लेंगे, अब मेरा क्या हो जाएगा जीरो से वन, अब इस माइनस को आप अंदर लेंगे तो ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर तो मेरा टू डी डिवाइडेड बाय, नीचे मेरा आ जाएगा रूट अंडर फाइव माइनस टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये भी रूट अंडर फाइव होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरा आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे टू इंटू टू पहले से यहाँ कॉन्स्टेंट वन बाई टू ए होता है, वन बाई टू ए के जगह रूट अंडर फाइव, रूट अंडर फाइव लॉग मॉड ए प्लस एक्स स्क्वायर होता है, रूट अंडर प्लस एक्स के ऊपर टी माइनस टू है, मेरा टी माइनस टू डाल दिए, बहुत अच्छा। रूट अंडर ए माइनस ए प्लस एक्स हो गया, ए माइनस एक्स करेंगे ये मेरा ब्रैकेट, ठीक है, ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे लिमिट डालेंगे जीरो से वन तक, ठीक है। चलिए तो हम वैल्यू डाल दिए तो पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर फाइव, हम अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए रूट अंडर फाइव। अब देखिए टी के जब वन डालेंगे वन माइनस टू माइनस वन, फिर माइनस वन डाल दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे डालते हैं तो रूट अंडर फाइव माइनस टी माइनस टू मीन्स मेरा माइनस वन और माइनस यहाँ है तो माइनस वन माइनस और माइनस वन मेरा प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। यह अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस लोअर लिमिट भी डालना है अपने आप को, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोअर लिमिट डालना है तो क्या करेंगे आप करेंगे यहाँ पे टी के जगह जीरो डालिए रूट अंडर फाइव माइनस टू हो जाएगा, उसी तरह यहाँ जीरो डालेंगे तो ये रूट अंडर फाइव प्लस, ठीक है। बस अब मेरा इंटीग्रेशन का काम खत्म है, आप सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, ठीक है। हम चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर फाइव लॉग, अब a माइनस बी लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है लॉग a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो लॉग a डिवाइडेड बाई b मीन्स a के जगह ये पूरा टर्म है रूट अंडर फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर फाइव प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई अब ये b से डिवाइड करेंगे रूट अंडर फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर फाइव प्लस टू। चलिए ये अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर फाइव log mod अब रूट अंडर फाइव माइनस वन ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा रूट अंडर फाइव प्लस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर फाइव प्लस वन इनटू रूट अंडर फाइव माइनस, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए तो मेरा क्या आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर फाइव log mod ये फाइव रूट अंडर फाइव इंटू फाइव, इसको आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो मेरा जो प्लस टू रूट फाइव माइनस रूट फाइव माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब यहाँ फाइव माइनस टू रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस टू, ठीक है। आई इक्वल टू अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर फाइव लॉग फाइव माइनस टू मेरा थ्री हो जाएगा थ्री प्लस रूट अंडर फाइव। अब इसके बाद नीचे वाले को भी कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है, ये मेरा 5 माइनस 2 मेरा 3 आ जाएगा, ये मेरा माइनस रूट फाइव, ठीक, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 साइन x प्लस कॉस x, लिमिट दिया हुआ है 0 से 5, ठीक है। चलिए हम फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 31 आपने देखा होगा उसी तरह अब इसको हम सॉल्व करेंगे, sin x के ऊपर क्या पुट किए थे पिछले क्वेश्चन में 2 tan x by 2
divided by 1 plus tan square x by 2, ठीक है, उसी तरह cos x को हम क्या लिखेंगे, 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2, ठीक है, तो चलिए, अब हम यहाँ पुट करते हैं, अभी हम इसको नीचे लिखेंगे, आसानी से आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेंगे अलग और उस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 2 sin x की जगह हम ये टर्म डालेंगे, sin x की जगह 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 plus cos x की जगह 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, 3 into 1 plus tan square x by 2 plus 2 to the 4 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 divided by, अब तो ये तो है यहाँ पे 1 plus tan square x by 2, ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, तो कांस्टेंट वाला कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, एक 3 into 1 यहाँ पे मिल जाएगा, उसका यहाँ मिलेगा 3 plus 1 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आप x square tan square वाला 3 tan square यहाँ मिलेगा, माइनस टेन स्क्वायर यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 टेन एक्स बाई 2 है, ये तो अकेला है, चलिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक, अब मेरा सिंपलीफाई हो गया, हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है, ये आसानी रहेगा आपके, 0 से पाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, सिंपलीफाई हम कर चुके हैं, तो हम स्क्वायर वाला को आगे रखते हैं, 2 tan square x by 2 plus 4 tan x by 2 plus 4, ठीक, चलिए उसका डिवाइडेड बाय था 1 plus tan square x by 2, ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, डिवाइड में है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, मेरा आ जाए 1 plus tan square x by 2, ठीक है, हम 1 plus tan square क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x by 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम sec स्क्वायर x by 2, ठीक है, चलिए अब मेरा, अब हम अभी तक हम क्या किए हैं, सिंपलीफाई किए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन का काम शुरू करेंगे, ठीक है, पहले सिंपलीफाई कर लेंगे उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, चलिए मिटा लेते हैं जल्दी से, अब हम पुट करेंगे tan x by 2 इक्वल टू टी पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, चलिए पुट करेंगे tan x by 2 इक्वल टू, तो मेरा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 इंटीग्रल a सॉरी डिफरेंस है लीजिएगा 1 by 2 dx इक्वल टू dt आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए sec स्क्वायर x by 2 into dx, यहाँ से हम ये चाहिए मुझे, इस 1 by 2 को इधर ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, चलिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा i इक्वल टू, लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि हम पुट किए, तो ये मेरा हो जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाय 2 t स्क्वायर प्लस 4 t प्लस 4, ठीक, चलिए अब लिमिट भी चेक कर लेते हैं, x जीरो है, ठीक है, x जीरो है तो मेरा क्या आ रहा है t, जीरो आ रहा है, x पाई बाई 2 है तो मेरा क्या आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, tan पाई बाई 2 मेरा इन्फिनिटी होता है, ठीक, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, जीरो से फिर लिमिट भी पता हो गया, 2 dt है यहाँ, 2 हम नीचे से कॉमन ले लेंगे, ठीक, यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 t प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ मेरा आ गया टर्म dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 2 से 2 हम कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, अब इसको हम x स्क्वायर, अब हम स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सब हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर ऑफ t लिखेंगे, अब ये t वाला का कोफिशिएंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर
माइनस यहाँ पे जो टर्म इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो वन ही आएगा, अब प्लस में यहाँ पे जो है वो, ठीक है, बस समझ में आ गया, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन स्क्वायर, टू माइनस वन कितना होगा, प्लस वन होगा, प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हमको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में आ गया। अब हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे इनडिफिनिट है इसलिए प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे तो आपका डिफिनिट है इसीलिए आप यहाँ पे सी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, लिमिट यहाँ जीरो से इनफिनिट। चलिए तो यही फॉर्मूला लगा, तो 1 बाई ए, एक यहाँ पे 1 है, इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स के यहाँ पे मेरा टी प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, ठीक है, और लिमिट डालेंगे जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए इसको अप्रॉप कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी रहेगा, माइनस लोअर लिमिट भी डालेंगे, ये 0 प्लस 1, यहाँ पे हम t के जगह 0 डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी मेरा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा ये आपका पाई बाई 2, 90 माइनस 45 मेरा 45 मीन्स 5 बाई 4,